नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुलबेली अपने होस्ट अभिषेक के साथ में। आज मैं लेकर आया हूं पंचतंत्र की एक और कहानी। आइए शुरू करते हैं कहानी आपके होस्ट अभिषेक के साथ में। बोलती गुफा। जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था जिसका नाम था कालू। बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कमजोर हो चुका था और यही वजह थी कि कई दिनों से उसे खाना भी नसीब नहीं हुआ था। बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था, कोई भी जानवर उसके हाथ नहीं आ रहा था। छोटे छोटे जानवर भी उसे चकमा देकर भाग जाते थे। एक बार वह भटकते भटकते बहुत थक गया तो एक जगह पर रुक के सोचने लगा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे अपना पेट भरूं, इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। अचानक उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि इस गुफा में कोई जंगली जानवर जरूर रहता होगा, मैं इस गुफा के अंदर बैठ जाता हूं। जैसे ही वह जानवर आएगा मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूंगा। कालू उस गुफा के अंदर जाके बैठ गया और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। दरअसल वह गुफा एक गीदर की थी। गीदर जैसे ही अपनी गुफा की तरफ बढ़ने लगा उसने गुफा के करीब कालू के पंजे के निशान देखे। उसे समझते देर नहीं लगी और वो फौरन खतरा भाप गया। उसके सामने उसकी मौत थी, लेकिन सामने संकट देखकर भी उसने अपना संयम नहीं खोया, बल्कि उसकी बुद्धि तेजी से काम करने लगी कि इस शत्रु से कैसे बचा जाए। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह गुफा के गेट पर खड़ा होकर बोला, ओ गुफा। जब अंदर से गुफा ने कोई उत्तर नहीं दिया तो गीदर ने एक बार फिर बोला, सुन गुफा, तेरी मेरी ये डील हुई थी कि जिस दिन तुम मेरी बात का उत्तर नहीं देगी मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरे गुफा में रहने चला जाऊंगा। जवाब न मिलता देख गीदर बार बार अपनी बात दोहराने लगा। अंदर बैठे कालू ने गीदर की यह बात सुनी तो वह यह समझ बैठा कि गुफा गीदर के आने पर बोलती होगी। कालू अपनी आवाज को बदल कर बोला, अरे ओ गीदर भाई, स्वागत है, आओ अंदर आओ। गीदर बोला, अरे शेर मामा, कालू तुम हो? बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि इतनी भी नहीं सोच पा रही कि गुफा कभी नहीं बोलती? यह कहकर वो तेजी से भाग गया। कालू उसे पकड़ने के लिए गुफा से बाहर आया, लेकिन गीदर तब तक भाग चुका था। इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय भी संयम नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और रोचक कहानी सुनने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए अपने होस्ट अभिषेक को आज्ञा दें, नमस्कार।